हे गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फ़ोन में 5G नेटवर्क सेटिंग इनेबल कैसे कर सकते हैं, ऑन कैसे कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन में 5G स्पीड का मज़ा कैसे लें, 5G नेटवर्क के साथ आप अपने फ़ोन को यूज कैसे करें, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि इंडिया में 5G लॉन्च हो गया है एयरटेल, जियो एंड वीआई के तरफ से, तो अगर आपके पास 5G का फ़ोन है और आप अपने फ़ोन में 5G नहीं यूज कर पा रहे हैं, 5G नेटवर्क नहीं शो कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक से सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप करके आप अपने फ़ोन में 5G यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi 11i 5G फ़ोन और इस फ़ोन में भी 5G नेटवर्क नहीं शो कर रहा था, तो इसमें भी मैंने सेटिंग कर दिया है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5G नेटवर्क शो कर रहा है और इसमें एयरटेल का सिम कार्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे आपको 5G नेटवर्क सेटिंग करना है। तो उससे पहले यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि 5G स्पीड हमें कितना देखने को मिल रहा है करंटली। तो 5G स्पीड टेस्ट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा स्पीड टेस्ट, तो उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे मैं यहाँ पे 5G स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, तो इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गो का ऑप्शन मिलेगा और इसमें एयरटेल का सिम कार्ड लगा हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करने के लिए गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्पीड शो करने लगेगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमें स्पीड देखने को मिल रहा है 250 MB के करीब, देख सकते हैं 251-52 MB/s का हमें डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा हमें स्पीड देखने को मिल रहा है 5G नेटवर्क के साथ। और यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड भी देख सकते हैं, तो अपलोडिंग स्पीड हमें यहाँ पे 25-26 MB का देखने को मिल रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड भी हमें डिसेंट सा मिल जाता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 250 MB करीब यहाँ पे डाउनलोडिंग मिल जाता है और अपलोडिंग का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 38 MB/s का मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं क्या क्या सेटिंग करना है जो आप भी अपने फ़ोन में 5G स्पीड का मज़ा ले सकते हैं 5G नेटवर्क के साथ। तो 5G नेटवर्क सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे जो भी सिम कार्ड लगा रहेगा वो सारा डिटेल आ जाएगा जो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको जो भी सिम कार्ड में 5G नेटवर्क सेटिंग करना है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं एयरटेल का करके दिखाने वाला हूँ, तो एयरटेल में क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो अगर आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं शो कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपना सिम कार्ड को टर्न ऑन टर्न ऑफ करके देख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सेटिंग करके देख लेना है, अगर आपका 5G शो कर रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद भी आपका यहाँ पे 5G नहीं शो कर रहा है तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको आपको रीसेट कर देना है, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। रीसेट करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीसेट होकर सेट हो जाएगा, उसके बाद भी आपका यहाँ पे 5G नहीं शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिल जाता है प्रेफर नेटवर्क टैप, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमें टोटल 4 ऑप्शन देखने को मिलता है 5G LTE 3G 2G। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे LTE में रहेगा जो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं LTE में क्लिक कर देता हूँ। LTE में रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 4G लिख के आ जाता है, LTE में रहेगा तो आपका यहाँ पे 4G नेटवर्क शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 5G में क्लिक कर देना है। 5G क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5G नेटवर्क शो करने लगा है। तो आपके फ़ोन में भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे LTE में रहेगा या 4G में रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 5G में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 5G नेटवर्क शो करने लगेगा, 5G में आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। 5G में सेट करने के बाद भी आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 5G लिख के नहीं आ रहा है, तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, रिस्टार्ट करके देख लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपका 5G शो करने लगेगा, अगर फिर भी नहीं शो कर रहा है तो आपको एक दो दिन वेट कर लेना है और यहाँ पे आपका 5G ऑन हो जाएगा, 5G इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा फ़ोन में 5G नहीं आ रहा है कब आएगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जो जो यहाँ पे मैंने सेटिंग बताया उसको आपको कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक दो दिन वेट कर लेना है अगर नहीं आ रहा है 5G नेटवर्क तो। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने फ़ोन में 5G ऑन कैसे करें, 5G नेटवर्क सेटिंग कैसे करना है। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, तो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।